हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जाने वाले हैं सावन झूला देखने, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगी भगवान जी के। और झूला तो वैसे बहुत पहले का पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 6, तो मैं इनको फ़ोन लगाऊंगी तो ये आएंगे। और किट्टू भी रेडी हो गई है और हम लोग जा रहे हैं सावन का झूला देखने। और नाग पंचमी से झूला पड़ जाता है मंदिर में, तो वहाँ जा रहे हैं आज हम लोग। वैसे तो मुझे बहुत पहले जाना था, लेकिन नहीं जा पाई थी, पहले तबीयत ठीक नहीं थी और आज भी तबीयत ठीक नहीं है। आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, लेकिन आज की डेट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, कल भी कर रही थी। तो कल मैंने बोल दिया था कि आज चलेंगे, आज जाना ही पड़ रहा है। तो आप लोग भी दर्शन करिएगा। धर्मशाला है, मतलब मंदिर ही है, धर्मशाला बोलते हैं, धर्मशाला जैसे है। और तो वहीं पे झूला पड़ा है और कृष्ण जी उसमें झूलते हैं। तो चलते हैं, फिर आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में। और ये पिंक कलर की साड़ी है, लेकिन इसमें ना ऑरेंज ऑरेंज जैसे कहीं कहीं दिख रही है। तो अभी ये नहीं आए हैं, जब तक मैं अपनी मेहंदी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, किट्टू की मेहंदी मैंने इस तरह लगाई थी, और रक्षाबंधन के दिन नहीं लगा पाए थे, ये दूसरे दिन फिर मैंने लगाया था। तो ये देखिए, ये मेरी मेहंदी है। और मैं किट्टू से पूछ रही थी आपको दिखाते दिखाते कैसी लग रही है, तो कह रही कि नहीं अच्छी लग रही मम्मा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने कैसे मेहंदी लगाई है। तो थोड़ी देर में आ ही रहे होंगे ये, तो फिर हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ से हम इंटर करते हैं, और गेट का मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगा था, और बाहर बहुत सारी दुकानें हैं। तो अब हम चल रहे हैं अंदर, तो दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे बैठे हैं राम, लक्ष्मण, सीता, मैया, और बहुत ही छोटे छोटे भगवान जी बैठे हुए हैं। तो मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे झूला पड़ा हुआ है, ये देखिए, यहाँ भी राम, लक्ष्मण और सीता मैया और छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हुए नीचे। और यहाँ पे विराजमान है हनुमान जी। जय हनुमान जी। जिसे बादल है, बादल तो बादल में निर्मल जल भरा हुआ है, जहाँ लेकिन जहाँ बरस रहा है, जहाँ बरस रहा है, तो जहाँ गंगा में गिर गया तो गंगा में, गंदगी में गिर गया तो गंदा, इतना स्वच्छ पानी गंदगी में गिर गया, मैला में गिर गया, उसी प्रकार का हो गया, गंदा हो गया, मटमैला हो गया। तो यहाँ कहीं नहीं, भूमि पर दबा डाबर पानी
जिम जी वही माया, उसी प्रकार यह जीव धरती के संपर्क में आने से और ये देखिए ये बीच का है, मतलब बीच में ऐसे बना हुआ खुला है और बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ा बना हुआ है, धर्मशाला ही है, तो ये देख कितना अच्छा लग रहा है। और ये सारांश घूमे जा रहा है अकेले ही सब जगह। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।